देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बचपन एबीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस खेल के हमारे जो पहले खिलाड़ी हैं, ये एक बड़ी ही बिल्लड़ सी हंसी के लिए मशहूर है। स्वागत कीजिए राजुल महाजन का। ये पागलपन वाली हंसी जो है आपकी बड़ी प्रसिद्ध हो गई है। बैठिए। कहाँ रुक गए थे आप? दरअसल सर, मैं अपनी बीवी की पिटाई कर रहा था। खैर, लेट्स प्ले एबीसी। राजुल जी, आपके लिए पहला सवाल ये रहा, आपके जीवन में इनमें से सबसे खराब लड़की कौन सी थी? ए मोनिका बेदी, बी पायल रोहतगी, सी आपकी पहली पत्नी, डी दूसरी पत्नी सिंपी। सर ए मोनिका बेदी। क्यों भाई? क्योंकि बाकियों ने तो मेरे से बहुत थप्पड़ खाए मगर ये बच गई। आई हेट हर। सही जवाब, सही जवाब। काश वो आपके हाथ से थप्पड़ खा लेती तो हम लोग भी आपको बाबू सलीम से पिटता हुआ देख लेते। खैर खैर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? ए लड़कियां पटाना, बी लड़कियां घुमाना, या फिर सी शादी करना, या डी ऑल द एबव। सर डी ऑल ऑफ द एबव। मुझे सर ये करने में मजा आता है। आपके लिए अगला सवाल ये रहा। एक सेकंड सर। अरे आई लव बीटिंग रिकॉर्ड्स डार्लिंग, मैं अभी आता हूँ। भाई हमने सुना था कि आप रिकॉर्ड्स को नहीं बल्कि बीवियों को बीट करते। पर सर बीवियां भी तो रिकॉर्ड्स की तरह बजती हैं। नमस्कार। देवी और सज्जनों, एबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे जो पहले कंटेस्टेंट हैं, इनके बाल फिर से वापस आ गए और ये साहब जो हैं, बॉल को बाउंड्री लाइन में पहुंचाने में बहुत ही माहिर है। प्लीज वेलकम नरेंद्र सहवाग। सीधा नेट प्रैक्टिस से? नहीं सर, नेट सर्फिंग से आ रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तशरीफ रखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पहला सवाल ये रहा, इनमें से किसके दूध में सबसे ज्यादा ताकत होती है? ए भैंस, बी गाय, सी बकरी, या डी गधी। सर बी गाय, क्योंकि गाय हमारी माँ है और वो कहावत है ना सर, माँ का दूध पिया तो सामने। सही जवाब। सहवाग जी, आपको मेरी एक सलाह है, अगर आप अपनी माँ का दूध का कर्ज उतारना चाहते हैं तो अपने दूध वाले भैया को पेमेंट टाइम पे देना शुरू कर दीजिए। अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो भागने में बहुत एक्सपर्ट है? ए सुरेश रैना, बी युवराज, सी इरफान पठान, या डी यूसुफ पठान। सर बी युवराज। कैसे? क्योंकि क्या है ना सर, युवराज बहुत एक्सपर्ट है लड़कियों के पीछे भागने में सर। आई एग्री विद यू बिकॉज युवराज की रनिंग बिटवीन द गर्ल्स बहुत अच्छी है। सर ऐसे छोटे मुंह बड़ी बात, आप भी तो अपनी जवानी में रनिंग बिटवीन दी हीरोइंस बहुत। नमस्कार। देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले एबीसी। आज हमारे जो पहले कंटेस्टेंट हैं, इनके बारे में आप सब जानते हैं कि अगर ये एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनते। तो स्वागत कीजिए बलवान खान। ओके, ये कैटरीना का स्टाइल है, बहुत अच्छा है, तशरीफ। ओके बलवान जी, आपका हमारे इस एबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या किया आपने? मस्ती की डूट। बहुत अच्छा। तो बलवान जी, 2 रुपए के लिए आपका पहला सवाल ये रहा, ब्लैक बक यानी कि काला हिरन इनमें से किस स्पीड से भागता है? ए ट्रेन की स्पीड से, बी कार की स्पीड से, सी साइकिल की स्पीड से, या फिर इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ द अबव। डी नन ऑफ द अबव।
क्योंकि वो दौड़ा ही नहीं। अगर वो दौड़ जाता तो मुझे दौड़ना ना पड़ता कोर्ट कचहरी के चक्कर में। डूड सही जवाब बलवान जी, और ये 2 रुपए आपके हुए। 2 रुपए बाद में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, और 2.5 रुपए के लिए आपका अगला सवाल ये रहा। बैंड्रा की अमेरिकन बेकरी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ए पाव के लिए, बी पाव के लिए, या सी समोसा के लिए, डी बड़ा पाव के लिए? ना ए ना बी ना सी ना डी, आंसर है ई, नमक जो अपने सकमों पर छिड़क रहे हैं। मुझे नहीं खेलना आपके साथ, मैं जा रहा हूं यहां से। अरे अरे भैया सुनिए, वो 5 रुपए तो वापस दे जाइए। अरे देंगे कैसे भैया, वो तो हमने उनको दिया ही नहीं। हाँ देवियों सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन ABC में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो पहली कंटेस्टेंट हैं, इनको अगर कभी कोलकाता से दिल्ली बात करनी होती है तो इनको फोन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये कोलकाता में बात करती हैं और इनकी आवाज दिल्ली तक पहुंच जाती है। प्लीज वेलकम जनता बनर्जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज तशरीफ रखिए जनता जी। आपका पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। लाउड स्पीकर को हिंदी में क्या कहते हैं? ए गिटार, बी सारंगी, सी ढोलक, या डी नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव सही जवाब, क्योंकि लाउड स्पीकर को हिंदी में तो जनता बनर्जी कहते हैं। ऐ ऐ की बोला रे, तुम बोला की जरा जोर से बोलो तो। अरे जनता जी, वो काम तो एक्चुअली आपका है। अब खैर, अगला सवाल ये रहा। इनमें से कौन से ऐसी चीज है जो आपको आसमान में ले जाती है? ए ट्रेन, बी बस, सी साइकिल, या डी प्लेन? ये तो एकदम इजी है, डी प्लेन। ओ जनता जी, ये गलत जवाब है। सही जवाब है ए ट्रेन, क्योंकि आजकल ट्रेन में बैठिए तो आपका ऊपर जाना एकदम पक्का है। ऐ की बोला तू, हमारे साथ इधर मजाक करता है, हम तुम्हारा शो बंद करा देगा, हम लाल झंडा उठा देगा तुम्हारे स्टूडियो में, तोड़फोड़ कर देगा, हम तुम्हारा शो बंद कराएगा, मालूम है? अरे आजकल लोग नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं।